नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हिमाचल में। मैं अनिल कंवर अपने सहयोगी अवंती ग्रह के साथ। तो इस वक्त हम आप लोगों के बीच मौजूद हुए हैं राष्ट्रीय राजमार्ग दिखल में। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से हम हिमाचल प्रदेश की एक बड़ी खबर लेकर आपके बीच आए हैं। जैसे अटकलों का इस वक्त प्रदेश में दौर चल पड़ा है कि यहाँ पर जो आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो आज यहाँ पर दिखल में आए थे, जो ऊपरी शिमला के तहत कुमारसेन तहसील में पड़ता है, और आज उनका दौरा था यहाँ पर खड़ान जो रामपुर बुशहर के तहत पड़ता है, कि उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर करनी पड़ी क्यों कोई तकनीकी खराबी होगी। तो इन सभी बातों को लेकर हम आपके बीच यहाँ पर मौजूद हैं बिथल में। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये पूरी तरह से जो ये अटकलें हैं इन पर विराम लगा दिया है यहाँ के जो पायलट थे उन्होंने कहा है कि इस पर कोई इमरजेंसी लैंडिंग, कोई तकनीकी खराबी नहीं आई थी, बल्कि ये एक सेफ लैंडिंग थी। अगर बात मैं यहाँ पर करूँ तो बिथल में ही ये इस वक्त, जैसे आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो ये हेलीकॉप्टर है प्रदेश सरकार का, जिसमें आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज रामपुर के दौरे में थे। अगर बात यहाँ पर की जाए तो उनके साथ लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह थे और ठियोग कुमारसेन के विधायक कुलदीप सिंह राठौर इसी चौपर से आज यहां पर लैंड हुए। तो जो बिथल नामक जो ये जगह है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग 005 के तहत रामपुर के जब आप सफ़र करते तो उस दौरान आती है, तो वहां पर ये लैंड होना था। अगर बात की जाए इस चौपर की, तो जैसे अटकलें लगाई जा रही थी कि इसे खेत पे उतार दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जो ये चौपर है ये ऐसी जगह में लैंड किया गया है जहाँ पर कॉन्क्रीट है, और हम बताना चाहेंगे आपको कि ये जगह भी चयनित थी। जैसे हमारे को इसके पायलट ने कहा है चौपर के कि ये भी हमने कल देर रात को इसे, ये अल्टरनेट था, इसे ज़रूर शाम को ही देख लिया गया था, तो उसके कारण जो ये सेफ जो लैंडिंग थी वो इस जगह पर की गई थी। जो वहीं अगर मैं बात यहाँ पर करूँ JSW की, तो वहाँ पर ये पहले से तय था कि वहाँ पर ही ये उतरेगा, पर जब पायलट को लगा कि वहाँ पर उतनी सेफ वो लैंडिंग नहीं है जितनी सेफ ये राष्ट्रीय राजमार्ग भी आप तस्वीर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि सामने ही इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहीं पे ही ये लैंड किया गया। और जैसे बताया जा रहा था कि ये यहाँ पर किसी खेत में उतारा गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर जो कॉन्क्रीट हुई है, काफ़ी बड़ा ये मैदान है जो पूरी तरह से कॉन्क्रीट यहाँ पर किया गया था, वहाँ पर पायलट ने इसे यहाँ पर उतारा गया था। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से कि जो ये है ये बिल्कुल सेफ लैंडिंग यहाँ पर है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आप लोगों के बीच इसलिए मौजूद हुए थे क्योंकि अटकलें लग गई थी कि कोई तकनीकी खराबी आ गई है हेलीकॉप्टर में। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इस वक्त प्रकृति आपदा जो हिमाचल प्रदेश में है, इसको लेकर ये जो हेलीकॉप्टर है प्रदेश मुख्यमंत्री इसे लेकर लोगों के घर द्वार जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रदेश सरकार पहुँच जाए। उसी को लेकर तो अगर बात की जाए तो लगातार CM घर द्वार लोगों के जा रहे हैं और इस दुख की घड़ी में एक मरहम लगाने का प्रदेश सरकार यहां पर काम कर रही है। तो उसी के तहत आज भी अगर यहां पर बात की तो रामपुर के खड़ान में ये इस चौपर से आना था, हालांकि जहां पर इस चौपर ने उतरना था वहां से 100 मीटर आगे ये चौपर हुआ है। और अब भी, और मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जैसे हमारी बात इसके पायलट से हुई तो उन्होंने कहा था कि कल देर शाम को ही हमने इस स्थान की भी रैकी यहाँ पर कर ली थी। जब भी हम किसी जगह पे उड़ान भरते हैं तो हम पहले दिन उस जगह की चारों चार रैकी करते हैं और जो हमें सेफ लगता है हम वहाँ उतरते हैं। हाँ, इस बात से भी दो राय नहीं है कि जब वो JSW के जो हेलीपैड है वहाँ जब ये लैंडिंग करने की, वहाँ पर भी ज़रूर कोशिश की 2-3 बारी, पर उससे ज़्यादा सेफ जगह यहाँ पर लगी। जैसे पायलट कह रहे थे कि ऊपर से कुछ तारे दिख रही थी, जैसे आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे तस्वीर के माध्यम से, जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टावर्स हैं, बिजली की जो तारे हैं ये वहाँ पर सबसे अधिक थी। तो उसको देखते हुए CM साहब से भी पायलट की बात हुई कि ये हमने कल देर रात को ही इसकी रैकी कर ली थी, जिसे CM ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी हामी भरी कि ठीक है, अगर आपको बेहतर लगता तो आप यहाँ पर सेफ जगह पे आप लैंडिंग करें। अगर बात की जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू आज खड़ान में गए हैं जहाँ पर लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह, ठियोग कुमारसेन के विधायक कुलदीप सिंह राठौर भी उनके साथ मौजूद रहे थे। तो बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ, फिर किसी अपडेट के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।